विधान परिषद नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए आज 6 जिलों में मतदान हुआ। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अभिजीत वंजारी अपने पत्नी के साथ मोहता साइंस कॉलेज बूथ पर पहुंचकर उन्होंने मतदान किया। इस मौके पर वे काफी खुश नजर आए। महाराष्ट्र विधान परिषद के नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 322 मतदान केंद्रों पर सुबह ठीक 8 बजे वोटिंग की शुरुआत हुई। मतदान 5 बजे तक चलने वाला है। मतदान प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सारी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली थी। मतदान प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए संभाग में कुल 1288 अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। नागपुर विभागीय स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मिलाकर 19 उम्मीदवार मैदान पर है। आज सुबह 8 बजे शहर के रेशिमबाग परिसर स्थित मोहता साइंस कॉलेज में सुबह 8 बजे से ही मतदाता मतदान करने पहुंचे। इसी समय महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अभिजीत वंजारी अपने पत्नी के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे। मतदान केंद्र पर पहुंचते ही उन्होंने वहां के पोलिंग अधिकारी को पहचान पत्र दिखाया, जिसके बाद उन्हें नीली स्याही लगाई गई। अभिजीत वंजारी इन्होंने सपत्नीक मतदान किया। इस मौके पर अभिजीत वंजारी काफी खुश नजर आए। वोटिंग करने के बाद दोनों ने अपनी स्याही लगाई हुई उंगली बताकर मतदान करने की अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं को अपील की। विधान परिषद नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में अपनी जीत का दावा इस मौके पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार एडवोकेट अभिजीत वंजारी इन्होंने इनबीसीएन समक्ष किया। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इनबीसीएन की टीम पदवीधर मतदार संघ के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अभिजीत वंजारी जो हमारे साथ में है, जिन्होंने पूरा दमखम लगाया था, कई सभाएं की थी, आखिरकार आज वो दिन आया और पहली सूरज की पहली किरण के साथ उन्होंने अपना मतदान किया हुआ है। इस समय में वंजारी दोनों पति पत्नी यहाँ पे मौजूद है, आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर ये बताएं कि जिस तरह से ये जो चुनाव हो रहा है और आज जो पहला मतदान आपने किया, कैसा महसूस कर रहे हैं और कितना आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? एकदम अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, प्रचार में रिस्पॉन्स मिला है और आज मतदान का दिन है और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग अच्छी तरह से मतदान करेंगे। इस पदवीधर मतदार संघ में जो रेशियो कम था मतदान का, वो 35%, 36% आज तक रहा है, लेकिन इस बार 50% से ज़्यादा मतदान होगा और पूरे हमारे कार्यकर्ता, पूरे नेता, हमारी सारी संगठनाएँ दमखम के साथ में इस मैदान में खड़े हैं। डटकर मुकाबला हो रहा है और अच्छे मतदान के फर्क से हम चुन के आएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। अच्छे वोटों से चुन के आएंगे ऐसा इन्होंने कहा। इस समय में मिसेस वंजारी जी भी हमारे साथ में, मैडम आप क्या कहना चाहोगी? इस पूरे निवडणूक और प्रचार के दरमियान हम लोगों को अच्छा प्रतिसाद मिला है, ग्रामीण में भी अच्छा प्रतिसाद मिला है और दूसरे 6 जिलों में भी अच्छा प्रतिसाद मिला है। कई तरह की संगठना, शिक्षक संगठना, अदर संगठना सारी हमारे साथ है, सारे मित्र पक्ष हमारे साथ है, तो हमें मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है, हम दोनों भी बहुत कॉन्फिडेंट है कि जीत हमारी होगी। तो इस प्रकार से वंजारी दंपति इन्होंने ये कहा कि जीत इनकी होगी। मैं दर्शकों को आपको बता दूं कि 322 मतदान जो बूथ है उन पे ये मतदान होने वाला है। 2,06,454 मतदाता वोट करने वाले हैं। पुख्ता इंतजाम पुलिस का है, हर बूथ पे पैनी नज़र रखी हुई है और जो कैंडिडेट होगा उसके आगे में ही सिर्फ जामुनी कलर के शाही से अपना मतदान करना है। इस बात को जिलाधिकारी ने वैसे आदेश भी देते जिसका पालन करते हुए शहर के युवा दिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि घोड़ा मैदान नज़दीक है क्योंकि 3 तारीख को इसकी मतगणना होगी, लेकिन आज जिस प्रकार से जो माहौल जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं जीत के आसार हर उम्मीदवार को है और ऐसा होना स्वाभाविक है। मोहता साइंस कॉलेज से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।